लेक्चर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम ट्राई करेंगे 7-8 क्वेश्चन करेंगे इसके, उसके बाद थोड़े से जो रह जाएंगे उसके बाद। ऋषि राज बोलोगे? यस सर। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट, लेट द पॉइंट बी एक्स वाई, एट एनी पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है पी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस किसके बराबर दे रखा है? ऑर्डिनेट के बराबर दे, ऑर्डिनेट मतलब वाई कॉर्ड, ठीक है। Yes, अगर sir. कर्व जो है वो 4,3 से पास करता है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट क्वेश्चन में? सर एक बार रिपीट कर दो क्या बोला आपने। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। इफ द कर्व पासेस थ्रू 4,3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट? समझ आ गया सर। नो सर। अब इसको सीधा इंटीग्रेट कर लें, dy अपॉन y इज इक्वल टू 2dx, हाँ log y इज इक्वल टू 2x प्लस c, सही है? यस सर। और y की जगह 3 डाल सकते हैं, हाँ सर। तो ये c की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन क्या हो गई? log y इज इक्वल टू 2x log 3 माइनस 8, तो log y by 3 is equals to minus 6, y by 3 is equals to e की पावर माइनस 6, ठीक है, नहीं 2x, सॉरी मैंने गलत, तो एक तो ये यहाँ पे क्या आया हमारा, log y by 3 आ गया equals to 2x minus 8, y by 3 is equals to e की पावर 2x minus 8, y equals to 3 e की पावर 2x minus 8. This is the equation of the curve. कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट श्रुतिका बोलेगी। यस सर। श्रुतिका क्वेश्चन है, द नॉर्मल लाइंस टू अ गिवन कर्व एट ईच पॉइंट पास थ्रू 2,0। जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास करता है? 2,0। द नॉर्मल लाइंस टू अ गिवन कर्व एट ईच पॉइंट, यानी कोई कर्व है जिसका हर एक नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई पे ड्रॉ करते हैं तो वो 2,0 से हमेशा क्या करता है? पास करता ही करता है, फिक्स्ड है। कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2,0 से। और 2,3 अगर कर्व में सेटिस्फाई करता है तो देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कोई क्वेश्चन में डाउट आया? इफ द कर्व पासेस थ्रू 2,3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट? नहीं सर। चल अब श्रुतिका। यस सर। श्रुतिका आप बस मेरे को ये बताओ इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy/dx होता है। और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका dx/dy नेगेटिव है। माइनस dx/dy। और इसको अगर 2 पॉइंट फॉर्म में बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं हाँ या ना? यस सर। x माइनस 2 dx प्लस y dy हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x square by 2 minus 2x plus y square by 2 is equals to c। कोई डाउट है? नहीं सर। 2,3 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 2 minus 4 plus 9 by 2 is equals to c आ गया, तो ये कितना हो गया? 2 plus 4, 4 plus 9, 13, 13 minus 8 by 2 यानी 5 by 2 is equals to 5 by 2 यानी y equals to x square प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 5 बाय 2। एनी डाउट? नो सर। चलो निहारिका। यस सर। निहारिका आप
बोल रखा है. थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑफ अ कर्व मीट्स एक्स एक्सिस इन टी, फाइंड द कर्व फॉर विच ओपी इज इक्वल्स टू पीटी. फाइंड द कर्व फॉर विच ओपी इक्वल्स टू पीटी. दोबारा सुन लो, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी मीट्स एक्स एक्सिस इन टी, ठीक है, और ओ बी सेंटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच OP is equals to PT. कोई डाउट है? नो सर. अच्छा, PT को हम कुछ बोलते थे, कोई बताएगा PT को? Let this point be x comma y, सही है? Yes sir. अच्छा, PT की लेंथ निकाल सकते हैं, yes और no? Yes sir. कैसे? सर पहले T के coordinates let कर लेंगे. नहीं चलो आप, अच्छा पहले ये देखो, पी ओ पी की लेंथ तो आपको समझ आ रही है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? यस सर. यस सर. अब दूसरी चीज सुनना, अब पी टी की लेंथ अगर निकालनी है आपने तो स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स. यस सर. ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल वाई, सॉरी मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स. कोई डाउट है? नो सर. अब टी पॉइंट क्या होगा? चलो इसको ऐसे नहीं करते, एक मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज कर, इसको ऐसे नहीं करते, पीटी की लेंथ चाहिए ना मुझे. अच्छा मेरे को ये बताओगे, ये वाली लेंथ तो एक्स होगी और ये वाली लेंथ वाई होगी, यस और नो? यस सर. ये तो कोई डाउट नहीं है. और ये क्या होगा? थीटा अगर होगा तो y by pt is equals to कितना होगा? sin theta. sin theta, yes sir. y upon sin theta is equals to pt आएगा. yes sir. pt की लेंथ जो आएगी आप ये आएगी, sin theta को लिखते हैं y cosec theta. yes sir. रूट वन प्लस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा. यस सर. डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा होता है ना? यस सर. अच्छा अब ये दे रखा है वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में. कोई डाउट? नो सर. स्क्वायरिंग कर देते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. क्या कट गया? वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ये कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस वाई बाई एक्स. यस और नो? यस सर. तो आप लिखते हो इसे dx by x plus minus dy by y, सही है, is equals to c. Yes or no? C, yes sir. तो ये log x plus minus log y is equals to log c. ठीक है? Yes मान sir. सकते हैं, या तो equation आएगी yes, xy equal to c या x by y is equals to c. कोई doubt? No, log a plus log b क्या होता है? log a b होता है. log a minus log b क्या होता है? log a by. कोई डाउट है बच्चे? yes, कोई डाउट है? समझ आ गई बात? yes sir. चल अब देखते हैं नेक्स्ट. मुकुल बोलोगे? yes. find the curve in the xy plane passing through the point 1. ठीक है, एक कर्व है एक्स वाई प्लेन में, किस पॉइंट से पास कर रहा है? ठीक है, सच दैट सेगमेंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड वाई एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय एक्स. दोबारा समझना इस चीज को, ये 1,1 से पास करता है. yes. और ये P है, ये Q है, ये R है. R जो है वो PQ का मिड पॉइंट.
क्या दे रखा है? यस सर। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट है क्वेश्चन में बता दो। नहीं सर। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का? नहीं सर। आगे सुन। चलो अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सुनना, कैसे कर ये बताना। अच्छा मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ x1 y, यस और नो? यस सर। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, यस? यस सर। आर पॉइंट निकाल सकते हो? आर पॉइंट क्या होगा? अल्फा कॉमा जीरो। इसके अंदर अल्फा कॉमा जीरो क्या करेगा? तो अल्फा कॉमा जीरो जीरो माइनस वाई वन अपॉन अल्फा माइनस एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी ए। तो ये आ गया माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सही है। अब Q पॉइंट भी क्या करेगा? जीरो कॉमा बीटा भी इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई। बीटा माइनस वाई वन माइनस एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। बीटा इज इक्वल टू वाई वन माइनस एक्स वन डी वाई बाई डी। अच्छा अब जीरो प्लस एक्स वन बाय टू इज इक्वल टू अल्फा आएगा? यस सर। तो ये आ गया एक्स वन इज इक्वल टू टू अल्फा। टू अल्फा का मतलब टू एक्स वन माइनस टू वाई वन बाय डी वाई बाय डी। कोई डाउट है? नहीं सर। एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, टू वाई वन अपॉन डी वाई बाय डी। अच्छा वाई वन, ये जो स्लोप है वो वाई वन और एक्स वन पे ही निकला है ना? Y1, yes, sir. या इसको y कॉमा x भी रिप्लेस करते हैं, dy1 by dx, ये लिख सकते हैं ना? Yes, sir, लिख सकते हैं। तो आपके पास आया dy1 upon y1 plus 2 dx1 by x1 is equal to 0. कोई डाउट? log y1 plus 2 log x1 is equals to log y1 c. into x1 square is equals to c. कोई डाउट है? नहीं। बात समझ आई कि नहीं? यस सर आ गई। श्रुति का? यस सर। अभी तक जो समझाया वो समझ आ गया? यस सर। चल अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना। बच्चे आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में? यस सर। जैसे उसमें क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं ना, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट। बताओ। यस सर। पढ़ रखे ना ये वाले क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, अब देखते हैं। अच्छा ये बताओ, एक चीज और बताओ, जैसे एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉडी का, सही है, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे मैं बोलता हूँ 25 डिग्री, और बाहर है ना क्या होता है, ठंड है, ठंड है और टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सराउंडिंग, ठीक है, ये टेम्परेचर बॉडी का है और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। अब ये बता बॉडी से क्या होगा? हीट रिलीज होगी। बताओ। हीट रिलीज होगी, यानी इसके टेम्परेचर की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा dT by dT, अगर T is the temperature at any time, T is the temperature at एनी टाइम है, तो वो इस हिसाब से डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? टी माइनस एस। टेम्परेचर नेगेटिव साइन क्यों लगाया? टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज। समझ आ गया?
और s इज द सराउंडिंग टेंपरेचर, t इज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी, स्मॉल t इज द टाइम, t इज द टाइम, कैपिटल d इज द टाइम, स्मॉल t इज द टाइम. कोई डाउट? नो सर. इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूल. इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ये बात क्लियर है? ये याद रख. यस सर. चलो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखें. बोला है कि एक वाटर था, ठीक है, किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 10 मिनट में सराउंडिंग में अगर रखते हैं, 10 मिनट में सराउंडिंग में अगर रखते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता. ठंडा होता है ना, थोड़ी देर बाद ठंडा होगा. यस सर. जब रूम टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. यस सर. अब टेम्परेचर निकालना है आफ्टर 20 मिनट. कोई डाउट? नो सर. आप दोबारा से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं. वाटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. 20 मिनट बाद कितना हो जाता है? 10 मिनट बाद कितना हो जाता है? 80 डिग्री सेल्सियस. सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है. और टेम्परेचर निकालने के 10 मिनट के बाद. बात समझ आ रही है? इससे ये भी पता लगता है, जैसे जैसे पानी गर्म रखा हुआ ना तुमने, उसको 10 मिनट बाद अगर नापोगे कितना है, तो तुम्हारे को अप्रोक्सीमेटली ये पता लग जाएगा कितनी देर बाद पानी ठंडा 25 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा. क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, यस सर. चलो अब हमारे पास है dt by dt is equals to minus k into t minus. कोई डाउट? माइनस s. नो सर. dt by t minus s is equals to minus k dt. कोई डाउट है तो बोल दो. नहीं सर. log t minus s is equals to minus kt plus c. कोई डाउट? नो सर. अच्छा, ये t जो है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम, ठीक है. एनी टाइम. t equals to 10 मिनट में कैपिटल t की वैल्यू कितनी हो गई? 80. और s की वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड है, कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस है. 80 माइनस 25 कितना हो गया? 85. ये बात समझ आ गई? यस सर. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. अच्छा, और कुछ देर सर, मैं फिर से बता दो सर ये वाला क्वेश्चन. क्या बताना बच्चे? सर बस शुरू से बता दो प्लीज बच्चे. वाटर जो था 100 डिग्री सेल्सियस पे था, 10 मिनट में 80 डिग्री हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, 20 मिनट बाद क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है? यस सर. ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इसके ऊपर बेस्ड था, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया. समझ गया. अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? k into 10 plus t है, ठीक है. ये बात समझ आई है यहाँ तक? हाँ सर. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे? बोलो. नहीं सर. अच्छा, अब एक और चीज, एट t equal to 0 t कितना होगा? 100 होगा. s कितना होगा? 25 होगा. 25, ठीक है ना. तो अब t equal to 0 डाल दो, log 75 आ गया, is equals to c आ गया. यस सर. सही है सर. इसमें माइनस की वैल्यू, अच्छा नहीं, 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे आ गया log 55 is equals to माइनस 10k प्लस log 75, ठीक है. log ऑफ 55 बाय 75 माइनस 1 बाय 10 इज इक्वल टू k. अब निकालना कब है टेम्परेचर, जल्दी बताओ. 20 मिनट्स पे. 20 मिनट में, यानी स्मॉल t की वैल्यू क्या डालनी है? 20 डालनी है. और किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल t. सही है. कैपिटल t. log t माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस k. k कितना है? माइनस k, यानी ये आ जाएगा 1 बाय 10 log 55 बाय 75, ठीक है. यस सर.
इंटू 20 यही है ना, प्लस सी सी कितना, सी आ गया लॉग 75। कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। ये आ गया 10 2, और यहाँ पे आ गया लॉग 55 बाय 75 का स्क्वायर, सही है, इंटू 75 इज इक्वल्स टू लॉग टी माइनस 25। तो टी माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75 कट जाएगा, 55 का स्क्वायर बाय 75, सही है। टी इक्वल्स टू 5 5 11 11 121 121 बाय 25 3 था, ठीक है, प्लस 25। दिस इज द टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट्स। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। ठीक है निहारिका। यस सर। निहारिका अब एक थर्मोमीटर में रीडिंग आती है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितनी है? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर रीडिंग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन आउटसाइड फॉर 5 मिनट, कितनी देर के लिए बाहर रखा? 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए रखा। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी रीडिंग कितनी हो गई? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 5 मिनट के लिए बाहर रखा, फिर 50 डिग्री हो, कितनी हो गई? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड? आउटसाइड कितना टेम्परेचर? कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, डी टी बाय टी, डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस एस होता है, डी टी बाय टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो लॉग टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है? यस सर। एट टी इक्वल टू 5, टेम्परेचर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है ना? यस सर। 60 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के, माइनस के इनटू 5 प्लस सी। कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है अब आफ्टर टी इक्वल टू 10, ठीक है? यस सर। तो कितना हो गया? 50 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के इनटू 10 प्लस सी। कोई डाउट? नो सर। ये पहली इक्वेशन। अब एट टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? लॉग 80 माइनस एस इज इक्वल टू सी, सही है? यस सर। यस सर। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? लॉग 60 माइनस एस, और सी की वैल्यू अगर ये है तो माइनस लॉग 80 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू के। यस सर। ठीक है और इज इक्वल टू माइनस 10 के सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा? लॉग 50 माइनस एस माइनस लॉग एस माइनस लॉग 80 माइनस, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग। सॉल्व कर लोगे अपने आप? अब मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है। यस सर। दोनों को डिवाइड कर लेना वो आंसर आ, ठीक है? ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। इतना काम कर लेना, इतना काम कर लेना, इतना काफी है आज के लिए, ठीक है? अब मोस्टली एक या दो क्लासेस और लगेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म हो जाएगा, एरियाज खत्म कराना है, सही है? और आपका वेक्टर, एरियाज वेक्टर्स, इसके अलावा कोई बचता है? हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिसेस रह रहा होगा, ठीक है? और ज्यादा तो नहीं बच्चे? बच्चे अच्छा बच्चे ये बताओ, ऑफलाइन क्लास में कोई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बच्चे। गोल